हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको इसके नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहां पे इम्पोर्टेंट होगा, बिल्कुल जो पेपर में आने वाला होगा, मैं वहां पे आपको बताता जाऊंगा और वो आपको बिल्कुल रट लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक फॉर सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन इट। तो रेलवे इंजीनियरिंग एक सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें हम लोग रेलवे ट्रैक के कंस्ट्रक्शन और उसके मेंटेनेंस की बात करते हैं, जिससे कि जो रेलगाड़ी हैं या मालगाड़ी हैं उनका सेफ और एफिशिएंट मूवमेंट हो सके। रेलवे ट्रैक्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। तो जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं टेम्परेरी और दूसरे होते हैं परमानेंट। तो टेम्परेरी वो होते हैं जो टेम्परेरी वर्क के लिए हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए कहीं पे डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस डैम के कंस्ट्रक्शन में बहुत अधिक मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो ट्रक्स होते हैं उनसे बहुत कम मात्रा में मटेरियल जा पाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक टेम्परेरी ट्रैक बिछा देते हैं। जब इस डैम का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है तो फिर यहाँ से टेम्परेरी ट्रैक हटा लेते हैं। दीज ट्रैक्स आर प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इन ट्रैक्स का काम होता है या तो जो अर्थ हो, मिट्टी, उसकी सप्लाई करना या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई करना, इसके लिए ये ट्रैक्स बिछाए जाते हैं। दूसरा हो गया है परमानेंट। दीज ट्रैक्स आर प्रोवाइडेड फॉर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स एंड गुड ट्रेन्स। तो जो परमानेंट ट्रैक्स होते हैं वो या तो पैसेंजर ट्रेन्स या फिर गुड ट्रेन्स के लिए होते हैं। आगे बात करते हैं गेज डिस्टेंस क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बिल्कुल रट लेना है। गेज डिस्टेंस होती है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ द रेल्स और रनिंग फेसेस ऑफ द रेल्स। तो ये डिस्टेंस होती है इनर फेसेस ऑफ द रेल्स और रनिंग फेसेस ऑफ द रेल्स के बीच की। देखिए ये हो गई हैं रेल्स, एक रेल ये हो गई है और दूसरी रेल ये हो गई है, तो ये हो गए हैं इनर फेसेस। इनके बीच की डिस्टेंस कहलाती है गेज डिस्टेंस, और इनको हम लोग रनिंग फेसेस ऑफ द रेल्स भी बोलते हैं। तो ब्रॉड गेज के लिए होती है 1.676 मीटर, ये आपको रट लेनी है। मीटर गेज के लिए 1 मीटर, नैरो गेज के लिए 0.762 मीटर, फीडर गेज के लिए 0.610 मीटर और स्टैंडर्ड गेज के लिए 1.435 मीटर। स्टैंडर्ड गेज मेट्रो में यूज़ किया जाता है और ये क्वेश्चन नैरो गेज का एसएससी जेई में आया हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग रेल्स क्या होती हैं। रेल सेक्शंस कन्वर्टेड रोलिंग लोड्स इनटू पॉइंट लोड। तो रेल्स का क्या काम होता है, रेल्स रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देती हैं। ये क्वेश्चन आईईएस ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। ये होती हैं रेल्स, इनको हम लोग रेल्स बोलते हैं, जिनको हम लोग आप लोग पटरी बोलते हैं, इनको रेल्स बोला जाता है। तो इनका काम होता है रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देना। जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं उनसे रोलिंग लोड आता है और ये रेल्स रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देती हैं। रेल सेक्शन शुड बी मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और हाई कार्बन स्टील। तो जो रेल सेक्शन है वो या तो कास्ट आयरन के बने होते हैं या हाई कार्बन स्टील के। ये माइल्ड स्टील के इसलिए नहीं बने होते हैं क्योंकि माइल्ड स्टील के बने होंगे तो इनमें करोजन हो जाएगा, जंग लग जाएगी। रेल सेक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज कंटिन्यूस स्टील बीम मेंबर। तो जो रेल सेक्शन है उनको कंटिन्यूस स्टील बीम मेंबर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। आगे बात करते हैं बकलिंग ऑफ रेल्स क्या होती है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ देयर इज नॉट सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्पेस इज अवेलेबल बिटवीन रेल ज्वाइंट्स बकलिंग ऑफ रेल्स विल हैपन, इट विल कॉज डीरेलमेंट। देखिए जो रेल्स होती हैं वो कंटिन्यूस सेक्शन नहीं होता है, ये बीच बीच में जुड़ी होती हैं फिश प्लेट्स से और फिश बोल्ट लगे होते हैं और इनके बीच कुछ ना कुछ यहाँ पे गैप रहता है। तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने के कारण इनकी लेंथ भी इंक्रीज़ होती है। अगर यहाँ पे गैप नहीं होगा तो फिर इनको इंक्रीज़ होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी रेल्स और जो ट्रेन है वो पटरी से नीचे उतर जाएगी। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं रेल्स, इनको बोलते हैं बकलिंग ऑफ रेल्स। Due to increase in temperature, if there is not sufficient amount of space available between rails joints, buckling of rails will happen. It will cause derailment. Derailment मतलब जो ट्रेन है वो पटरी से नीचे उतर जाएगी। आगे बात करते हैं रेल joints are necessary to hold together rails in correct position and also provide required expansion space between two rails.
तो जो रेल जॉइंट्स होते हैं वो रेल्स को करेक्ट पोजीशन में बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, और साथ में ये एक्सपेंशन भी प्रोवाइड कराते हैं, जो रेल्स हैं उनका एक्सपेंशन भी होता है इनकी वजह से। फोर फिश बोल्ट्स आर प्रोवाइडेड टू कनेक्ट टू फिश प्लेट्स, तो जो टू फिश प्लेट्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए फोर फिश बोल्ट्स लगे होते हैं। ये एक रेल हो गई है, दूसरी रेल ये हो गई है, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे फिश प्लेट लगी होती हैं और इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे फिश बोल्ट्स लगे होते हैं। ओके, तो फोर फिश बोल्ट हो गए हैं टू फिश प्लेट्स को जोड़ने के लिए। फिश बोल्ट्स एंड फिश प्लेट्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और हाई कार्बन स्टील, तो ये जो फिश प्लेट्स हैं और फिश बोल्ट्स ये भी कास्ट आयरन और हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। आगे बात करते हैं स्लीपर्स। स्लीपर्स आर प्रोवाइडेड टू जनरेट इलास्टिसिटी ऑन द रेलवे ट्रैक, तो स्लीपर्स का काम होता है रेलवे ट्रैक में इलास्टिसिटी जनरेट करना। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई बार है, कोई छड़ है, इस पर अगर हम लोग लोड लगा रहे हैं तो इसका एलोंगेशन होगा, अगर इस पर हम लोग लोड लगा रहे हैं तो इसका एलोंगेशन होगा, और जैसे ही अगर हम लोग ये लोड हटा लेंगे तो कितने जल्दी ये पुनः अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी वो कहलाती है इलास्टिसिटी। अगर हम लोग रबर और स्टील की बात करते हैं तो जो स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है रबर के कंपेयर में। अगर हम लोग इस पे से लोड हटाएंगे तो ये जल्दी पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएगी रबर के कंपेयर में, तो ये कहलाती है इलास्टिसिटी। तो स्लीपर्स का काम होता है इलास्टिसिटी जनरेट करना। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ये स्लीपर्स हैं, ये रेल सेक्शन है, इसके नीचे ये स्लीपर्स बिछे हुए हैं, इसके ऊपर से जब ये ट्रेन गुजरेगी तो इस व्हील के नीचे पॉइंट लोड आएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो स्लीपर्स का काम होता है ये डिफ्लेक्शन को ख़त्म करना, क्योंकि जो पीछे से एक व्हील आ रहा है अगर उसके लिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन बना रह जाएगा तो ट्रेन के डीरेलमेंट होने के चांस हैं। तो जो स्लीपर्स हैं वो इलास्टिसिटी जनरेट करते हैं जिससे कि ये डिफ्लेक्शन है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। स्लीपर मस्ट बी कंटिन्यूस बिलो द रेल सेक्शन, तो जो स्लीपर्स हैं वो रेल सेक्शन के नीचे कंटिन्यूस होना चाहिए टू अवॉइड डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट को ख़त्म करने के लिए जो स्लीपर्स हैं वो रेल सेक्शन के नीचे कंटिन्यूस होना चाहिए। डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होता है, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग हो गई है, ओके एक बिल्डिंग है, इसका ये वाला पॉइंट इतना सेटल हुआ और दूसरा पॉइंट इतना सेटल हो गया, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट ये कहलाता है, ये हो गया है इतना डिफरेंशियल सेटलमेंट, ये कहलाता है डिफरेंशियल सेटलमेंट। स्लीपर्स आर प्लेस्ड ट्रांसवर्स टू द रेल्स, तो रेल्स के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्लीपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये रेल्स हो गई हैं तो इनके ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहलाती है। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, स्लीपर कन्वर्ट पॉइंट लोड फ्रॉम रेल्स टू बैलास्ट एज अ यूडीएल और लाइन लोड, तो जो स्लीपर्स हैं वो रेल से जो पॉइंट लोड आ रहा है उसको बैलास्ट पे एज अ यूडीएल और लाइन लोड की तरह ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये क्वेश्चन आईईएस में आया हुआ है। आगे बात करते हैं स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी आईईएस में, सभी में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लीपर डेंसिटी होती है एक रेल सेक्शन के नीचे हम लोग कितने स्लीपर्स बिछा सकते हैं, तो ये कहलाती है स्लीपर डेंसिटी। नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज फॉर वन रेल लेंथ आर डिनोटेड बाई M+X, तो जो एक रेल सेक्शन के नीचे जितने नंबर ऑफ स्लीपर्स बिछाए जा सकते हैं तो उसको हम लोग M+X से रिप्रेजेंट करते हैं। एम स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ रेल इन मीटर, फॉर ब्रॉड गेज एम इक्वल टू 12.8 मीटर और 13 मीटर, तो जो एम है वो होता है लेंथ ऑफ वन रेल सेक्शन, तो ब्रॉड गेज के लिए ये होती है 12.8 मीटर या 13 मीटर। स्लीपर डेंसिटी फॉर ब्रॉड गेज शुड बी लाई बिटवीन M+4 टू M+7, तो जो ब्रॉड गेज है उसके लिए जो स्लीपर डेंसिटी है वो M+4 से लेके M+7 के बीच वेरी करती है, यानी M की वैल्यू अगर हम लोग 13 रखेंगे तो 17, 13 4 17 प्लस 13 प्लस 7 कितना होता है 20, तो 17 से लेके 20 स्लीपर के बीच हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रॉड गेज के लिए वन रेल लेंथ के नीचे। वन रेल लेंथ के नीचे हम लोग 17 से लेके 20 स्लीपर तक प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रॉड गेज के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर 780 मीटर लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक विद स्लीपर डेंसिटी M+4, तो अगर स्लीपर डेंसिटी M+4 है तो 780 मीटर लेंथ में कितने स्लीपर डलेंगे। देखिए एक रेल सेक्शन के नीचे कितने स्लीपर आएंगे, 13+4 यानी 17 स्लीपर एक रेल सेक्शन के नीचे आएंगे, तो कितने रेल सेक्शन हो गए हैं,
टोटल लेंथ हो गई है 780 मीटर, एक रेल सेक्शन की लेंथ हो गई है 13 मीटर, तो ऐसे 60 सेक्शन बन जाएंगे। ओके, और एक सेक्शन के नीचे 17 स्लीपर्स आ रहे हैं, तो 60 सेक्शन के नीचे 1020 स्लीपर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देखना मत भूलिए। थैंक यू।